तो आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो 300 किलोमीटर की रेंज वाला स्कूटर है, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर है, सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है? मतलब सिंपल वाली बनाती है सिर्फ? ऐसा नहीं है आप लोगों का भ्रम यहाँ पे तोड़ना चाहता हूँ। एक कंपनी हॉरविन मोटर्स, इसने अपना SK3 लॉन्च किया है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक की है भैया। सिंपल वन के कॉम्पिटिशन में निकाला है, भले ही वो इंडिया में नहीं निकाला, यूरोपियन मार्केट के लिए निकाला है। और इसके अंदर काफ़ी अच्छे फीचर दिए, उसकी रेंज भैया 300 किलोमीटर है। डेफिनेटली वो कंपनी क्लेम कर रही है, मेरे को कोट ना करें इस बारे में। कंपनी को आप लोग कोट कर सकते हो कि भैया सच में है या नहीं, ट्विटर पे जाके। बाकी मैं बात कर रहा था हॉर्विन SK3 के बारे में। तो अगर आप लोगों को जानना है इसके बारे में कि इसके अंदर क्या क्या कंपनी ने बेस्ट फीचर दिए हैं, स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी प्राइस कितनी है, रेंज तो खैर मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करूँगा हॉर्विन SK3 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में कि इसके अंदर कंपनी क्या क्या ऑफर करती है आपको। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कंपनी ने अपनी नई हॉर्विन SK3 के अंदर कई सारे नए फीचर डाले हैं। इसे पिछले मॉडल से काफ़ी अच्छा बनाया और कंपनी का ये दावा है कि ये स्कूटर, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर, आपको सिंगल चार्ज पर 300 किलोमीटर तक का सफ़र करा सकती है। और अगर ये इंडिया में लॉन्च होगा इन फ्यूचर, तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन बन सकता है बाकी सारे स्कूटर के साथ। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ हॉर्विन SK3 की, तो कंपनी ने इसके अंदर 14 इंच के व्हील और विंडशील्ड दिए। 2022 हॉर्विन SK3 के अंदर एक चमकदार हेडलाइट माउंटेड फ्रंट एप्रन है, एक फ्लैट फुटबोर्ड है जिसके चारों ओर स्पैन दिए गए हैं, एक स्टेप अप सिंगल पीस सीट भी मिलती है इसके अंदर, ग्रैबरेल लगी हुई है, और एक स्मोकी विंडस्क्रीन मिल जाती है आपको इसके अंदर, जो इसे और खास बनाती है। अगर मैं पावर और फीचर की बात करूँ हॉर्विन SK3 की, तो इसके अंदर कंपनी ने 3.1 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर दी है, और इसके साथ इसके अंदर आपको 72 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है। और इस स्कूटर की टॉप स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर की है। और ये जो हॉर्विन SK3 है, एक तरह से एक मैक्सी स्कूटर है, और इसके अंदर आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ डुअल LED हेडलैम्प और एक TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है, और इसके अंदर आपको इन सब के साथ कीलेस एक्सेस जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। हॉर्विन SK3 के अंदर कंपनी ने काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखा है। 2022 हॉर्विन SK3 के अंदर आपको बेहतर राइडिंग के लिए इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल के साथ साथ फ्रंट और रियर में आपको डिस्प्ले मिल जाते हैं। इसके आगे की तरफ आपको टेलीस्कोपिक फोक और रियर एंड पे डुअल शॉक अब्जॉर्बर मिल जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी ने SK3 को यूरोपियन मार्केट के अंदर निकाला है, और इसकी कीमत रखी है 4,500 यूरो, मतलब अगर मैं इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो उसकी कीमत होगी लगभग 3,63,000 रुपये। हालांकि अभी ये इंडिया में नहीं आएगी, लेकिन अगर आएगी तो कंपनी को इसकी प्राइस काफ़ी कम करनी पड़ेगी, 1/3 या उससे भी कम करनी पड़ेगी, तब जाके ये इंडियन मार्केट में सफर या स्ट्रगल कर पाएगी। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे भी कम बजट में काफ़ी अच्छे स्कूटर मौजूद हैं। इसीलिए तो नई नई कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की जा रही है मार्केट के अंदर अच्छी अच्छी रेंज के साथ, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट के अंदर यही कॉम्पिटिशन है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा रेंज प्रोवाइड कराना है अपने यूज़र को या कस्टमर को, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर कोई खरीदेगा तो उसकी सबसे बड़ी टेंशन यही रहेगी कि कब चार्जिंग खत्म हो जाए। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, वो सारी इसी प्लानिंग में है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करा, वो इसी चीज़ में रिसर्च कर रही है वो, क्योंकि अभी सिंपल वन भी ये इसी रेस में है, क्योंकि उसने 300 किलोमीटर वाली रेंज प्रोवाइड कराई है एक्स्ट्रा बैटरी देके। तो अगर आप लोगों का लेना है तो आप सिंपल वन कंसीडर कर सकते हो। मैं SK3 को कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बजट काफ़ी ज़्यादा है, आप लोगों को पता चल गया होगा वीडियो देखने के बाद। और सिंपल वन यही चीज़ है, मतलब यही रेंज 1.5 के आसपास प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप लोगों को लेना है तो भैया सिंपल वन कंसीडर करना, और ये भैया मंगाओगे तो महंगा पड़ेगा, इसीलिए कह रहा हूँ मैं, आपका फायदा है। और सिंपल वन पे आपको सब्सिडी मिल जाएगी, और सिंपल वन का ये भी है कि वो अपनी डिलीवरी स्टार्ट करने वाली है, तो अगर आप लोग बुक कराते हो तो आपको डिलीवरी मिल भी जाएगी, और आप लोग 300 किलोमीटर मज़ा नहीं चलाओगे बिना किसी टेंशन के। मगर बस अब ये देखना है कि जब सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच कर जाएंगे तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कितनी बढ़ाएगी, क्योंकि पेट्रोल तो खरीदेगा नहीं, तो कितनी बढ़ाएगी देखना पड़ेगा। वो कितना प्राइवेटाइजेशन करेगी इलेक्ट्रिसिटी का, खुद की प्रोड्यूस ना करके लोगों को ठेके पे दे दे ताकि लोग कमाएं, हमारा फ़ायदा हो ना। ये तो देखने वाली बात है कि कब ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, 24 से पहले या 50 के बाद, कब। बाकी अगर आप लोगों को 22 का रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, पर्टली वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो भैया, वहाँ पर फॉलो बटन भी आता है। अगर आप लोगों को नहीं पता, कहीं आप चेकआउट करके आ जाओ वापस, वहाँ फॉलो बटन भी आता है, फ्री है, क्लिक कर दो, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ भी मिलती रहेगी, यहाँ भी मिलती रहेगी, वहाँ डेली बेसिस मिलेगी, यहाँ भी डेली बेसिस मिलेगी, मगर यहाँ डिटेल मिलेगी। तो भैया करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो लाल बटन दिया ना जिस पर लिखा है सब्सक्राइब,
वो दबा दो बस। बाकी इस वीडियो से इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी मीठी लगी तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।